तो गाइस यार काफी दिनों से हमारे पास एक कमेंट आ रहा था कि भाई हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी भाई टोटल मतलब लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, कि भाई कितना वजन लेके चल पाता है, और भाई ये पहाड़ पे मतलब ये घाटी पे चढ़ पाता है या भी नहीं। ये कमेंट काफ़ी दिनों से हमारे पास आ रहा था कि भाई चलेगी कि नहीं गाड़ी। वैसे तो हमने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे लगभग 200 किलो का वेट भी लेकर चला रखा है, लेकिन यार वो लगभग मतलब प्लेन रोड पे थी, ऐसी कोई घाट वाला सेक्शन नहीं था कि भाई पहाड़ पे हम लोग इतना सारा वेट लेके चल रहे हैं। लेकिन यार आज की इस वीडियो में हमारे पास भाई हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी और भाई प्रॉपर एक घाट है जो कि माताजी के मंदिर तक जाता है। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ये पहाड़ चढ़ पाएगी भी या नहीं। तो यार गाइस चलो जल्दी से अब हम इसे इस पहाड़ पे चढ़ा के देखते हैं, और भाई मेरा वेट आप लोग देख के ही समझ सकते होंगे कि भाई कितना क्या वेट है। और कुछ पूछा कुछ, और भाई एक जने में तो क्या बात करें भाई, सिंगल जने में तो भाई साइकिल चढ़ जाती है, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का क्या है भाई, एक जने में तो गाड़ी आराम से ऊपर चढ़ जाएगी भाई कितना भी ऊंचा पहाड़ हो। लेकिन यार गाइस आज हम लोग दो जने, एक हमारा भाई कैमरामैन भी है, तो उनका भी वेट लगभग 55 केजी है, और टोटल वेट की बात कर ले तो टोटल लगभग 150 किलो के वेट है, मतलब टोटल 150 किलो हम दोनों का वजन मिला के। तो गाइस यार चलो जल्दी से देखते हैं कि भाई 150 किलो वेट को लेकर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि भाई कई सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस की लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा। बहुत सारे एक साथ बोल दिया। तो गाइस यार चलो अब जल्दी से इसे पहाड़ पर चढ़ा के देखते हैं कि भाई 150 किलो के वेट को लेकर ये गाड़ी चढ़ पाएगी भी या नहीं। गाड़ी की बात कर लो तो गाड़ी तो फुल चार्ज है, और भाई इसे हम लोग थर्ड गियर में चलाएंगे, क्योंकि थर्ड गियर में इसमें थोड़ी पावर वगैरह ज़्यादा आ जाती है और थोड़ा पिकअप वगैरह बढ़ जाता है। तो गाइस यार चलो अब जल्दी से इसे पहाड़ पर चढ़ा के देखते हैं, लेकिन यार उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो गाइस यार चलो अब जल्दी से चढ़ा के देखते हैं कि भाई चढ़ती है भी या नहीं 150 किलो वेट को लेकर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो भाई इतनी ऊंची घाटी चढ़ाने के लिए थोड़ा पिकअप लेना पड़ेगा, इसलिए अब चलो देखते हैं। तो भाई अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने रेस तो फुल दे रखी है, और भाई गाड़ी थर्ड गियर में तो भी भाई 22 25 30 से ऊपर हाई स्पीड नहीं जा रही है, और भाई घाटी हमारी प्रॉपर है, ये देखो मैंने रेस तो फुल दे रखी है इसमें अभी में। अब थोड़ा स्लोप ज़्यादा आ गया तो भाई स्पीड भी कम हो गई और रेस तो फुल दे रखी, और भाई 150 किलो वेट को लेकर भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर भाई ऐसा कुछ चल रहा है। अब भाई प्रॉपर ही आ गई है घाटी, ये देखो बिल्कुल ही स्लो हो गई है। वैसे भाई एक बात कहनी पड़ेगी, गाड़ी ब्लॉट पूरा ही ले रही है, 10 की स्पीड पे भी भाई घाटी चढ़ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई एकदम गाड़ी रोकी गई है। ये देखो भाई प्रॉपर एकदम घाटी थी, पीछे से भी मैं आपको दिखाता हूँ फिर। देखो भाई गाड़ी तो आराम से चल रही है, खास दिक्कत नहीं आई है। तो गाइस यार दो जनों में मतलब 150 किलो के वेट को लेकर तो भाई गाड़ी तो आराम से चल रही है, लेकिन भाई अब एक और आइडिया आया मेरे दिमाग में कि भाई 150 किलो के वेट को लेकर तो आराम से चल रही है वो भी दो जनों को बिठा के। तो भाई अभी हमारे पास मतलब टोटल हम लोग तीन जने आ गए हैं, ये दो भाई भी हमारे पास आ गए हैं। तो भाई अब इन दोनों को बिठा के देखते हैं कि भाई गाड़ी चल पाती है भी या नहीं, और भाई दो जनों में तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई है, लेकिन भाई अब दो जने और आ गए हैं तो टोटल हम लोग तीन हो गए हैं, और भाई इनका भी वेट आराम से लगभग 50-50 किलो तो लगभग होगा ही होगा। तो अब चलो अब इनको बिठा के देखते हैं कि भाई गाड़ी चल पाती है भी या नहीं। जनों में तो अब चढ़ गई, अब भाई तीन जनों को देखते हैं चढ़ पाती है भी या नहीं, और वही भाई मैंने गाड़ी को थर्ड गियर में चल रखा है और थोड़ा भाई पिकअप लेने के लिए थोड़ा हम पीछे से आ रहे हैं, तो चलो भाई अब चढ़ पाती है या नहीं।
तो गाइस अभी तो भाई स्पीड 15-16 की चल रही है, अब देखते हैं कि बाइक जड़ पाती है भी या नहीं गाड़ी। चल भाई अब प्रॉपर भाई घाट आ गई है, चढ़ पाती है भी या नहीं भाई। हाँ लगभग वजन हमारा 200 किलो तो हो ही गया होगा टोटल। ये देखो 10-12 की स्पीड आ गई और एकदम प्रॉपर घाटी है भाई। आप लोगों को कैमरे में समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन भाई प्रॉपर है। हाँ स्पीड बिल्कुल कम हो गई और रेस तो मैंने फुल दे रखी है, थर्ड गियर है भाई। गाड़ी अब तो भाई थोड़ी थोड़ी रुकने लग गई है। ये देखो स्पीड भी 7 की, लेकिन भाई एकदम भी गाड़ी नहीं रुकी है, चढ़ रही है गाड़ी भाई, अपना पूरा जोर लगा रही है। देखो भाई भाई गाड़ी की बात तो कहनी पड़ेगी, गाड़ी एक भी जगह रुकी नहीं भाई, आराम से 5-10 की स्पीड पे भी गाड़ी चल रही थी। तो गाइस यार देखा आप लोगों ने कि भाई हमने 2 जने भी बिठाए और 3 लोग भी बिठाए, तो भाई आराम से गाड़ी तो चढ़ गई और प्रॉपर भाई पीछे भी भाई एकदम पूरी घाट थी भाई। और एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी भाई, 200 किलो के लगभग वेट था और भाई गाड़ी कहीं पर भी रुकी नहीं भाई। 5 की स्पीड तो ज़रूर हो गई थी लेकिन भाई गाड़ी ने कहीं पर भी धोखा नहीं दिया। तो गाइस यार यही था वीडियो में, एक बात ज़रूर कहनी पड़ेगी भाई, कहीं पर भी ये स्टोनवाल इलेक्ट्रिक स्कूटर ने भाई धोखा नहीं दिया हमें जरा भी। यार यही था वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और भाई आप लोगों के दिमाग में और कुछ भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट आ रहे हो तो ज़रूर लिखकर कमेंट में ज़रूर बता देना और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर बता देना। तो गाइस यार यही था वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूरी मार दो। तो थैंक यू सो मच, चलो।